भैया जी नमस्कार। काफी वक्त हो गया आपसे वो फेस टू फेस वाली बातचीत नहीं हुई। आई होप सब कुशल मंगल होगा। हमें आपस में ऐसे मिलते रहना चाहिए। नहीं, मैं यूं ही गिन रहा था तो मुझे पता चला कि दिल्ली में मुझे 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में मैंने 4 घर बदले। इस हिसाब से ये मेरा 5वां घर है दिल्ली में। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको कहूँ, हेलो गाइज, आई एम योर होस्ट कैमरा वाले भैया। वेलकम टू अ हाउस टूर वीडियो या फिर व्लॉग, जो भी आप समझो। मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट में मैगी नहीं खाता हूँ, पर आज दिल्ली की ठंड ने मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया कि सबसे पहले हम किचन की तरफ प्रस्थान करेंगे वेजिटेबल मैगी बनाने। इसको वेजिटेबल मैगी कहने पर ना थोड़ा हेल्दी फील होता है, तो कभी कभी चलता है। देखिए, भारतीय घरों में रसोई यानी किचन को एक पवित्र स्थान दिया जाता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बैचलर के किचन में। डोंट वरी गाइस, यहाँ पे सफाई का खास ध्यान रखा गया है। हाँ, शेल्फ में चाहे अभी भी कुछ चीजें प्लास्टिक में ही पड़ी हैं, पर उनको डब्बे में रखने की इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई है। रसोई में कॉफी मशीन और मग्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पक्का कोई कॉफी एंथुसियास्ट भी यही रहता है। हाँ, मतलब दिल्ली में ठंड बहुत है एंड रात को एडिट करते टाइम कॉफी कैन बी अ गुड ऑप्शन। पर सच्ची में ये कॉफी मशीन मेरा बिल्कुल भी नहीं है, फिर किसका हो सकता है ये कॉफी मशीन। ये घर 4 BHK। आपको क्या लगता है, इस घर में मैं अकेले सरवाइव कर पाऊंगा? चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरे फ्लैटमेट अमन से। मुझे अगर अमन को इंट्रोड्यूस करना हो तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमको गाना बनाने के साथ साथ ना खाना बनाने का भी शौक है। खाने से मुझे याद आया कि मुझे वेजिटेबल मैगी भी तो बनाना था। आपने कई बार सुना होगा कि अगर खाने में थोड़ा सा प्यार डाल दिया जाए तो आपका पकवान थोड़ा स्वादिष्ट बनकर निकलता है, और मुझे ये विद टाइम पता चला कि प्यार का मतलब लव से नहीं, पेशेंस से है। पर ऐसा लगता है कि समय के साथ लाइफ कितनी फास्ट हो गई है। आजकल इंस्टाग्राम रील हो या यूट्यूब शॉर्ट्स, तेजी से बात करके लोगों की अटेंशन गेन करनी पड़ती है। इसलिए मैंने तो मान लिया है कि मैं अपनी वीडियो प्यार और पेशेंस के साथ ही बनाने वाला हूँ। देखिए, 2 मिनट में तो कोई मैगी बनने वाली है नहीं, और वैसे भी मुझे वेजिटेबल मैगी पसंद है। पर 1 सेकेंड, वो कॉफी मशीन किसका है? सुनो, कॉफी पियोगे? जी, अब आते हैं मुद्दे पे। हाउस टूर बोले या स्टूडियो टूर, दोनों मेरे लिए सेम ही बात है, क्योंकि यही अपना ठिकाना है जहां मैं यूजुअली रहता हूं जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा होता हूं। इसलिए इसका कंफर्टेबल यानी आरामदायक होना काफी जरूरी है। देखिए, इससे पहले मैंने कभी हाउस टूर नहीं दिया, तो एक्चुअल प्रोसेस से मैं टेक्निकली अनजान हूं। तो जैसे कि इस रूम में घुसते ही सबसे पहले आपकी नजर इस सेटअप पर आकर रुकती है, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। डुअल मॉनिटर सेटअप ताकि एडिट के वक्त स्पेस की कमी ना हो, एप्पल मैक स्टूडियो ताकि सिनेमा कैमरा की भारी भरकम फुटेज आसानी से एडिट की जा सके। ये दो डब्बे देख के काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला ये क्या चीज है। 10 TB + 10 TB यानी 20,000 GB से भी ज्यादा डेटा। इस प्रोफेशन में यही दिक्कत है, साला कितना भी पैसा कमा लो, स्टोरेज खरीदते खरीदते पैसा खत्म हो जाता है। वैसे स्पीकर्स का सजेशन हमने अमन से लिया था। स्पीकर्स तुम ना एडिफायर का लेना, क्योंकि विजुअल्स तो अच्छा है, वीडियोस में ठीक है, लेकिन साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी साउंड क्वालिटी है ही टॉप नॉच। वैसे इस मकान की नींव के बारे में हमने बात नहीं की अब तक, जिस पे इतना भारी भरकम सामान रखा गया है। After a lot of research, मेरा तो यही मानना है कि आपका वर्क सेटअप खरीदने से अच्छा आप एक कारपेंटर से ही बनवाइएगा। इसका फायदा ये है कि आप अपने अनुसार एडजस्टमेंट वगैरह करवा सकते हैं। जैसे ये एलिवेटेड स्पेस बनवाया है मैंने फॉर द स्पीकर्स एंड मॉनिटर्स, ड्रॉअर्स फॉर द एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा ड्रॉअर्स फॉर द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस। मुझे लगता था कि चेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब फालतू के बहाने। एडिट करने को तो मैं इस प्लास्टिक के चेयर पे भी बैठ के कर सकता हूँ, ऐसा क्या ही खास है इस गद्देदार चेयर में? ये तो मुझे तब मालूम पड़ा जब 8-8 घंटे एडिट करने के बाद मैं अपने कमर के पेट झीले कर बैठा। चौराहा सीरीज के एडिट के दौरान मैंने इस चेयर पे इन्वेस्ट किया था, तो इसका अमेजोन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। ये दीवार मैंने भक्ति के लिए चुनी है, ताकि काम करते वक्त जब भी मैं डगमगाऊं तो मुझे याद रहे कि मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है। देखिए, इस रूम में इतनी ज्यादा चीजें बची नहीं है, तो हम आपको बाकी चीजें भी दिखलाते हैं। ये है अमन का बेडरूम। हेलो गाइस। ये है अमन का वर्किंग रूम। हेलो गाइस। हॉल में खाली डब्बे, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन से मैंने एक रिश्ता बना लिया है। बालकनी जहाँ कपड़े सुखाने के अलावा ठंड में धूप भी सेकी जाती है। मेरा बेडरूम जहाँ बेड के अलावा एक हीटर भी है। हाँ मम्मी, मैं रात को हीटर बंद करके सोता हूँ। मधुबनी पेंटिंग जो कि अमन की मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाए, फिल्मों और गानों के पोस्टर्स ताकि
इंस्पिरेशन की कभी कमी ना हो। ये रोड साइड एस्थेटिक क्योंकि मुझे कुछ अलग करने का मन था। मैप्स क्योंकि अंदर का ज्योग्राफी स्टूडेंट गया नहीं अभी तक। बाथरूम वगैरह रहने देते नहीं, हाउस टूर में शायद यही सब तो बताते हैं। अगर मुझे कुछ छूट जाए तो प्लीज बता देना, आगे किसी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। एक सेकंड, ये व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है? जी हाँ, एक ऐसा व्हाइट बोर्ड जरूर रखिएगा अपने कमरे में जो हर वक्त आपको याद दिलाता रहे कि कितना कुछ पा लिया है और कितना कुछ है बाकी। इस साल मैंने अपनी एक छोटी सी विश कंप्लीट की है, तो एक छोटी सी थपकी अपने आप को देना इम्पोर्टेंट है। पहले ट्रैवल करते वक्त मैं अपनी वीडियोस एडिट नहीं कर पाता था, पर अब नो वरीज, ट्रैवल के साथ साथ अब एडिट भी चलता रहेगा। वैसे आई डोंट नो कि आपने इस दीवार पे गौर फरमाया या नहीं। ये दीवार मैंने इसलिए खाली रखी है कि विद टाइम कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस को मैं यहाँ पे फ्रेम करके लगा सकूं। और चौराहा सीरीज भी एक फ्रेम इस दीवार पे डिजर्व करता है, तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया है। अगर इस व्लॉग के एडिट होने से पहले वो आ जाता है तो धीरे धीरे ये दीवार भी भर जाएगी। बाकी अभी फ्यूचर में आप मुझसे सिर्फ व्लॉग मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, काफी कुछ अलग चीजें बनाने का प्लान है मेरा, तो आप यूं ही जुड़े रहिएगा। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida. No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda. Será paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. यार हम सोच रहे थे कि कॉफी बना लें, अभी कॉफी सही रहेगा ना। कॉफी पियोगे? कॉफी बनाएं। हमको ना कॉफी बहुत अच्छा लगता है।